हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी स्वेटर या फ्रॉक में फ्रिल कैसे डाली जाती है। ये फ्रिल देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है और अगर आप किसी स्वेटर के बॉर्डर की जगह ये फ्रिल डालेंगे तो स्वेटर और भी सुंदर दिखेगा। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि ये फ्रिल कैसे डाली जाती है और इसमें जाली का पैटर्न कैसे दिया जाएगा। जब भी हम किसी स्वेटर में फ्रिल डालते हैं तो उसे हमेशा ऊपर से बनाया जाता है, यानी टॉप से बॉटम की ओर, यानी जब गले से स्वेटर बनाया जाता है तब। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रिल कैसे बनेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिल कैसे डाली जाएगी। अगर आप दो कलर से स्वेटर बिन रहे हैं और दूसरे कलर से फ्रिल डालना चाह रहे हैं तो आप इस दूसरे कलर को उल्टी तरफ से ज्वाइन करके उल्टी धारी प्लेन प्लेन बिन लीजिए, जैसे मैंने इसमें बिन लिया है। ये मैंने एक स्वेटर बनाया है, इसमें मैंने आपको दिखाऊंगी कि नीचे फ्रिल कैसे बनाएंगे। तो मैं दो कलर से बना रही हूँ। अगर आपका एक ही कलर का स्वेटर है तो आप सीधी तरफ से फ्रिल डालेंगे। हम यहाँ पर पहला फंदा सीधा सीधा बिनेंगे। एक हमने सीधा फंदा बिना, अब हमें एक सीधा फंदे के बाद हमें जाली डालनी है। तो हमें यहाँ पर तीन उल्टे बिनने हैं, तो हम ऐसे भी जाली डाल सकते हैं पीछे से आगे की ओर ऐसे करके। देखिए ये फंदा टाइट हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको जाली डालने का। धागा को अपनी तरफ करके ऐसे राउंड ले लीजिए और फिर आप तीन उल्टे बिन लीजिए, एक दो तीन। इन तीन उल्टों के बाद एक सीधा बिना जाएगा। ये चार जो फंदे हैं इन फंदों को बार बार रिपीट करना है, ये मैं हर लाइन में, तो ये ध्यान रखिएगा, तीन उल्टे और एक सीधा। फिर आप इस सीधे के बाद एक जाली डालेंगे, धागा को घुमाएंगे और फिर तीन उल्टे बिनेंगे, एक दो तीन। तीन उल्टे के बाद एक सीधा। आप एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ एक एक जाली बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक भी जाली ख़राब होने से आपकी फ्रिल ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। फिर मैंने यहाँ से राउंड लिया, फिर ये तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा। फिर धागा राउंड लिया, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा। आपको ऐसे ही पूरी लाइन रिपीट करनी है, धागा को घुमा के फिर तीन उल्टे फिर एक सीधा। तो आपकी यहाँ पे जाली बनती जाएगी। फिर हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ अपनी पहली लाइन कंप्लीट कर ली है, अब मैं आती हूँ दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में जो हमारे ये उल्टे फंदे थे आगे की तरफ से, ये हमें पीछे की तरफ से सीधे दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सीधे ही बिनना है। यानी जो ये दो सीधे दिख रहे हैं तो ये सीधे पे सीधा आ जाएगा और ये जो जाली वाला फंदा है ये उल्टा बिनेंगे, उल्टा बिनेंगे और एक सीधा फंदा भी उल्टा आ जाएगा। तो ये जो सीधे पे सीधा दिख रहा है वो सीधे पे सीधा बिना जाएगा, यानी दो दो तीन सीधे। हमारे जो आगे की तरफ से तीन उल्टे थे वो पीछे की तरफ से तीन सीधे हो गए और फिर हमारी जाली वाला फंदा भी उल्टा, फिर हमारा एक और फंदा उल्टा। तो तीन सीधे और दो उल्टे, एक दो तीन सीधे और एक दो उल्टे, फिर तीन सीधे फिर दो उल्टे। जो जो भी जाली वाला फंदा हमारी उल्टी लाइन में आएगा वो उल्टा उल्टा बिना जाएगा और सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा रिपीट करते जाना है। तो मैं ऐसे ही अपनी पूरी लाइन बना लेते हैं। अब मैं अपनी तीसरी रो में आ गई हूँ। तीसरी रो में जो पहला फंदा था ये मैंने सीधा ले लिया है, फिर यहाँ पे जाली डली थी तो इस सीधे फंदे के बाद हमें जाली डालनी है ऐसे करके। धागा आगे करिए और ये सीधा बिन लीजिए, यानी एक सीधा फिर जाली फिर एक सीधा। और जो ये तीन उल्टे फंदे थे इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा रिपीट करना है। तो ये देखिए धागा आगे करा और तीन उल्टे, एक दो तीन और फिर एक सीधा। ये चार फंदे की जो डिज़ाइन है ये आपकी सेम रहेगी, तीन उल्टा और एक सीधा, और यहाँ पे आपकी डिज़ाइन चेंज होती जाएगी। तो हमने क्या करा, एक सीधा बिना फिर एक जाली डाली फिर एक सीधा बिना फिर तीन उल्टे वैसे ही रिपीट करें और फिर एक सीधा बिना, फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे। इसमें जाली हम कैसे डालेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर एक सीधा बिनेंगे, तो हमारी यहाँ पे जाली डल जाएगी। फिर इसके बाद फिर तीन सीधे, एक
दो और ये तीन सीधे, फिर धागा आगे करा, फिर एक सीधा, ये सीधा बना। ये जो जाली है, जाली के ऊपर ही हमें जाली डालनी है इस सीधे फंदे के बाद, यानी धागा आगे करा फिर हमें एक सीधा बिना, तो हमारी यहाँ पे जाली डल गई। फिर तीन उल्टे, फिर एक सीधा, फिर जाली, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे करके एक जाली, फिर तीन उल्टे। ऐसे करके आपको पूरी लाइन रिपीट करनी है। अब मैं अपनी फोर्थ रो में आ गई हूँ, तो फोर्थ रो में जो फंदा हमको सीधा दिख रहा है यहाँ से, उस पे हम सीधे पे सीधा बिनेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो उल्टा फंदा है इस पे उल्टा बिनेंगे, जाली भी उल्टी बिनी जाएगी और फिर ये वाला भी उल्टा बिना जाएगा। तो ये तीन फंदे उल्टे हो गए और तीन फंदे हमारे सीधे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये देखिए, एक जाली वाला फंदा, ये पहला, एक और, ये तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे। देखिए ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें, तो ये सीधे पे सीधा रहेगा और ये जो उल्टा उल्टा दिख रहा है ये उल्टे पे उल्टा रहेगा, जाली वाला फंदा भी उल्टा रहेगा। तो हमें यही रिपीट करना है। और मैं अपनी फिफ्थ रो में आ गई हूँ, फिर वैसे ही हमें करना है, सीधा फंदा को हमें सीधा बिनना है, फिर यहाँ पे हमें जाली के ऊपर जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा बिनेंगे, फिर हमारा जो ये सीधा था ये भी सीधा जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जाली के बाद दो सीधे फंदे हो जाएंगे, फिर हमारे तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर सीधे पे सीधा आ जाएगा। यहाँ पे तीन उल्टे के बाद हमेशा एक सीधा बिनना है। ये हमारी जो चार फंदे की पैटर्न है ये ऐसे ही रिपीट होगी, तीन उल्टे और एक सीधे, फिर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे, फिर जाली, एक सीधा, फिर दो, एक और सीधा। तो जाली के बाद यहाँ दो सीधे आएंगे। सेकंड रो में हमारे जाली के बाद एक सीधा आया था, और यहाँ पे हमारी थर्ड रो में जाली के बाद दो सीधे आएंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट रो होगी वो वैसे ही उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा रिपीट होगी। और जो हमारी सेवन्थ रो होगी उसमें हम क्या करना है, जाली के हमारे तीन सीधे हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही बिनते चले आएंगे। फिफ्थ रो में जो हमें सीधे फंदे दिख रहे हैं इनको हम ऐसे सीधा बना लेंगे, सीधा सीधा दो सीधे बना लिए। और फिर ये जो उल्टे दिख रहे हैं, ये देखिए उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। तो हमारे इस बार क्या हो जाएगा, ये चार उल्टे हो जाएंगे, एक दो, ये जाली वाला फंदा और ये उल्टा, और ये तो चार उल्टे हो गए और तीन सीधे, एक दो तीन। ये देखिए, ये उल्टे पे उल्टा, एक दो तीन चार, चार उल्टे और फिर तीन सीधे। अब मैं अपनी सेवन्थ रो में आ गई हूँ। सेवन्थ रो में यही वही रिपीट करना है, ये सीधा वाला जो फंदा था इसको सीधा ही बिनना है, और फिर आगे फंदा आगे धागा करके हमें जाली डालनी है। शुरुआत हमें ऐसे ही करनी है, फिर ये सीधे पे सीधा बिनना है और ये उल्टे पे तीन उल्टे आ जाएंगे, एक दो तीन, फिर एक सीधा, यही तीन उल्टे एक सीधा करो है। इसके बाद फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली देंगे, फिर हमारे दो सीधे हो जाएंगे, फिर हम धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा, फिर एक जाली, फिर धागा, फिर तीन उल्टे, फिर एक सीधा, फिर एक जाली करके दो सीधे हो जाएंगे। यही पैटर्न हमें रिपीट करना है, और स्टेप बाय स्टेप जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं एक एक करके बढ़ेंगे। और अगर आपको इस जाली को सही से बनाना है तो आप मेरा एक स्टेप बाय स्टेप ढंग से देखिएगा, और पूरी वीडियो को देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और अगर आपको ये पूरा स्वेटर बनते हुए देखना है जो मैंने ये बनाया है, इसके पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ जल्द ही, और आप इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए मेरी जाली स्टेप बाय स्टेप बनती जा रही है। ये मेरी सेवन्थ रो है। एट रो में वही सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाना है हमको।
यहाँ मेरी 7th रो भी कंप्लीट हो गई है और अब मैं आती हूँ अपनी 8th रो की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने वही 2 सीधे पे सीधे बिने। ज़्यादातर मैं पहला फंदा स्किप कर लेती हूँ क्योंकि सिलाई में बहुत आसानी होती है, एक एक फली के थ्रू अगर जोड़ो तो बहुत अच्छी सिलाई आती है, स्टिचिंग आती है, तो इसलिए मैं पहला फंदा स्किप कर देती हूँ। ये फिर मैंने यहाँ पे अब 5 उल्टे हो जाएंगे, ये 5 उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 उल्टे, फिर 3 सीधे। ये भी मैं पूरी ऐसी ही रिपीट करूँगी 5। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी 9th रो। तो पहला फंदा हमें ऐसे ही बिन लेना है और फिर हम जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली डालेंगे और यहाँ 3 सीधे फंदे, 1 2 3, जाली को मिला के तो 4 सीधे फंदे हैं, ये देखिए। फिर यहाँ 3 उल्टे, 1, ये देखिए 2 3, ये 3 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली, 1 ये हो गया सीधा फंदा और 3 और हैं, टोटल मिला के हमारे 4 सीधे फंदे, 2 3 4। ये देखिए हमने यहाँ क्या करा, 3 उल्टे बनाए, 1 सीधा बनाया, फिर हमने जाली डाली है इस वाले फंदे पे और 3 हमारे सीधे हैं, जो हमारे सीधे वाले फंदे थे उसी के ऊपर हमें सीधा बनाना है और जाली के ऊपर जाली बनानी है, और फिर ये धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 2 3, फिर धागा पीछे करके 1 सीधा, फिर जाली, धागा अपनी तरफ करा, ये जाली, 1 2 3 4। यही पैटर्न आप रिपीट करते हैं पूरी सिलाई में। यहाँ पे मेरी अपनी 9th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आती हूँ 10th रो की तरफ। 10th रो में सेम वही पैटर्न रिपीट करना है, सीधे पे सीधा, ये 2 सीधे हैं हमारे और उल्टे पे उल्टा, 2 3 4 5 6 उल्टे हैं यहाँ पे और वही 3 सीधे। सीधे हमारे हमेशा उल्टी रो में 3 ही रहेंगे, और ये हमारे जो उल्टे उल्टे फंदे हैं ये हमारे हर एक जाली के साथ साथ एक एक फंदा बढ़ता रहेगा। तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 उल्टे फंदे हैं, ये देखिए, और फिर हमारे 3 सीधे और 6 उल्टे। तो यही पैटर्न आपको रिपीट करना है पूरी सिलाई में। ये हमारी 10th रो है तो हमें यही रिपीट करना है। अब आ गए हैं हम 11वीं रो में, वही सीधा फंदा हम ऐसे ही बिनेंगे पहला फंदा, फिर हम अब धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली डालेंगे, ये देखिए ऐसे जाली, 1 2 3 4 5, ये 5 सीधे हो गए, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली, 1 2 3 4 5, ये 5 सीधे, 3 उल्टे, 1 2 3। हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। मैं अपनी 12th रो में आ गई हूँ। तो ये हमें किनारे के 2 सीधे फंदे थे, इसको ऐसे ही बिनना है और हमें फिर उल्टे फंदे बिनने हैं, उल्टे पे उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उल्टे हैं, फिर हमारे 3 सीधे हैं, 1 2 3, फिर हमारे फिर 7 उल्टे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उल्टे 3 सीधे, 7 उल्टे 3 सीधे, ऐसे करके हम पूरी लाइन रिपीट कर लेंगे। अब मैं अपनी 13th रो में आ गई हूँ। तो
पहला फंदा हमें ऐसे सीधा बिनना है, फिर हमें अपनी तरफ धागा करके जाली डालनी है, 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ 6 सीधे फंदे बिने, फिर हम 3 उल्टे बिनेंगे, 1 2 3, 3 उल्टे बिनने के बाद 1 सीधा बिनेंगे, फिर हम अपने धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे और ये 6 फंदे सीधे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 1 सीधा धागा अपनी तरफ करके जाली, 1 2 3 4 5 और 6, यही लाइन हम रिपीट करते हैं बार बार, पूरी रो ऐसी बना लेते हैं। यहाँ मेरी 13 रो भी कंप्लीट हो गई है, अब मैं 14 रो में आ जाती हूँ। 14 रो में वही हमें ये 2 सीधे फंदे थे, तो इसको 2 सीधे फंदे सीधे पे सीधा बिनना है और उल्टे पे हमारा उल्टा बिनना है। यहाँ पे हमारे 8 उल्टे फंदे आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए, फिर हमारा 3 सीधे फंदे आ जाएंगे, 1 2 3, फिर हमारे 8 उल्टे फंदे आ जाएंगे, ये देखिए हमें उल्टे उल्टे दिख रहे हैं, तो उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही लाइन हम रिपीट करेंगे पूरे स्वेटर में। मैंने यहाँ अपनी 14 रो कंप्लीट कर ली है और मेरी 7 जाली कंप्लीट हो गई है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 जाली कंप्लीट करने के बाद मैं, जैसे मैंने इसमें ये बॉर्डर बनाया है, ये देखिए ऐसे जाली आई है और ये जो बॉर्डर बनाया है, ये देखिए 3 लाइन का, ये मैं बना लेती हूँ और इसके बाद इन फंदों को घटा दूंगी, तो मेरी फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी फ्रिल चाहिए तो आप इसकी जाली भी बढ़ा सकते हैं, ये छोटा स्वेटर बनाया है मैंने, तो इसके लिए मैंने कम जाली वाला 7 जाली का बनाया है, आप ज़्यादा जाली भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। तो मैं ये उल्टी उल्टी धारी बना के इसके बॉर्डर बना के इसको इसको घटा लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने, ये मेरी 15 रो है, 15 रो में मैंने सिर्फ उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं और ये मेरे को 4 लाइन में रिपीट करने हैं। ये पहली लाइन है, उल्टे उल्टी तरफ से उल्टा ही बनाना है और सीधी तरफ से भी उल्टा बनाना है, तो मेरा एक बॉर्डर जैसा लुक आ जाएगा, जैसे मैंने इसमें उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाया है, ये देखिए, और सीधी तरफ से भी उल्टा बनाया है, तो मैं 4 लाइन ऐसी उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। मैंने यहाँ 4 लाइन कंप्लीट कर ली हैं, ये 2 उल्टी उल्टी धारी हो गई हैं, अब मैं तीसरी, ये तीसरी उल्टी धारी यानी अपनी 5वीं लाइन में इन फंदों को घटा लूँगी। तो कैसे घटाना है, 2 फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारना है, ये देखिए ऐसे, एक फंदा बिना हमने पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार दिया, ऐसे, ऐसे आप बिनते चले जाएंगे और आप पूरी लाइन आप ऐसे ही घटा लेंगे, तो ये आपकी फ्रिल पे ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी फ्रिल कंप्लीट कर ली है, ये देखिए, और मैंने इस ऊन को कट कर दिया है, ये देखिए मेरी बहुत ही सुंदर फ्रिल बन के आई है। ये आप अपने किसी भी बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं और बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हैं छोटे बच्चे की, ये देखिए, तो सेम यही फ्रिल मैंने इस कलर में डाली है, सेम यही फ्रिल मैंने इस कलर में डाली है, तो आप यही फ्रिल डाल के अपने स्वेटर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।